औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, नादरा रीजनल ऑफिस में जॉब्स आई है। ये वीडियो इन जॉब्स की डिटेल के हवाले से है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इस तरह नए नए जॉब्स की एडवर्टीजमेंट आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम के तमाम सब्जेक्ट के MCQs आप लोग को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ जाके आप लोग वो देख सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। डोमिसाइल इसके लिए पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। ठीक है, सिन का जो है उसके लिए ज़्यादा ख़ास तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा जॉब लोकेशन सिंध में होगी। क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट यानी FAFAC ICS बैचलर और मास्टर की क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ज़रूरी है मुख्तलिफ़ पोस्टों के हवाले से। और जॉब टाइप, ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। वैकेंट पोजीशन जो है इसमें तीन किस्म की है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइज़र, जूनियर एग्जेक्टिव, ये तमाम के तमाम इसमें तीन किस्म के खाली वैकेंसीज हैं। अच्छा जी, इसका सबसे मेन सेक्शन, यानी आप लोगों ने अप्लाई इसमें नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जाना है। आप लोगों ने, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएँ, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तमाम के तमाम ओरिजिनल लेके जाने हैं। कहाँ पे आप लोगों ने जाना है? आप लोगों ने जाना है जी HR सेक्शन ऑफिस, नादरा रीजनल हेड ऑफिस, 89A सिंधी कॉपरेटिव हाउस सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, सक्कर सिंध, पाकिस्तान। आप लोगों ने किस डेट पे किस वीकेंड पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जाना है, वो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेगा। ये है जी, ये आप लोग देखें, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 24 अगस्त 2022 डेट है। ठीक है, साथ में सुपरवाइज़र का भी यही डेट है। इसके अलावा जूनियर एग्जेक्टिव, जूनियर एग्जेक्टिव की 25 मुख्तलिफ़ इलाकों में लिखे हुए हैं ना, कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ये 25 और 26 जो हैं वो जूनियर एग्जेक्टिव भी है। ये आप लोग रीड कर लें, आप लोग को तब सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी उर्दू में है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके अलावा फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।